nobody gonna run a race like me. Ek baar nahi ye dil 100 baar hai toota par shauk mohabbat. Hi guys, assalam alaikum, welcome back to my technical name channel. Friend, जैसे कि आपने शुरुआत में एक वीडियो को देखा तो फ्रेंड आप भी इस तरह की वीडियो बना के टिकटॉक के ऊपर बहुत तेज़ी से वायरल होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड ये अभी किसी यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर किसी ने नहीं बनाई फ्रेंड। तो आपको ये मैं ट्यूटोरियल इस वीडियो में बना के दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड इस तरह की वीडियो आप किस तरह बना सकते हो, तो फ्रेंड आपने कुछ एक कपड़ों में और वीडियो को शूट करना है, दूसरी वीडियो को और शूट करना है, तो फ्रेंड किस तरह वो मिक्सिंग करनी है इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा। तो फ्रेंड सिर्फ एक मिनट में आप इस तरह की वीडियो बना सकते हो। तो फ्रेंड अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना, वीडियो को स्किप मत करें फ्रेंड। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के ऊपर जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है फ्रेंड 500, तो 500 जल्दी से लाइक पूरे करने हैं। तो फ्रेंड इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, तो आपको इस तरह की और वीडियोज देखने को मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको एक काइन मास्टर की जरूरत होगी फ्रेंड टिकटॉक की, अगर आप वीडियो बनाना चाहती हैं तो फ्रेंड अगर आप टिकटॉक यूज़र हैं तो आपके पास टिकटॉक और दूसरा ऐप काइन मास्टर होना चाहिए। तो फ्रेंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको ये प्ले स्टोर में से भी आसानी मिल जाएगा। तो फ्रेंड ओपन होने के बाद ये आपको प्लस का आइकन मिल रहा है, तो आपने अगर टिकटॉक की वीडियो बनाती हैं तो फ्रेंड आपको 9:16 का रेशो रखना पड़ता है। तो फ्रेंड इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। फ्रेंड सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मीडिया का ऑप्शन ऊपर आ रहा है, तो इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एक कोई एक बैकग्राउंड आप इधर से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं वाइट कलर का बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ, तो फ्रेंड आपने भी ये यूज़ कर लेना है। जितनी आपने वीडियो बनानी है उतना इसको रख लेना सिंपल। फ्रेंड अब आपने क्या करना है, जो आपने वीडियो शूट की है पहले जो आपने पुराने कपड़ों में यूज़ किया कि अगर उसके बाद डिसेंट क्लॉथ जो होते हैं उसमें जो VIP क्लॉथ होते हैं वो यूज़ की किस तरह करनी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल हम वो पहले वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और वो वीडियो ले लेंगे मीडिया के ऊपर क्लिक करके। तो फ्रेंड जैसा कि ये देखे मैंने वीडियो पहले ये शूट किया, तो इसको मैंने अब क्या किया फ्रेंड, इसको मैंने फुल स्क्रीन इधर से कर लिया, तो आपने भी इधर से फुल स्क्रीन इस तरह कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है, इसके वॉल्यूम को क्या कर देना है, म्यूट कर देना इधर से। तो मैंने इसको म्यूट किया हुआ है, तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि आपने शूट किस तरह की करनी है फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं आप, तो फ्रेंड कुछ इस तरह से क्लोथ आपने उतार के फेंकने हैं, तो ये नहीं उतरे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ मैं कि इस तरह, तो अब मेरी वीडियो छोटी सी थी तो मैंने दूसरा पार्ट भी इस वक्त शूट किया, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह लगाना। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हो कि ये दूसरा पार्ट मैंने शूट कर लिया। अब उसके बाद फ्रेंड जिधर से ये मैं एक मिनट का इशारा कर रहा हूँ, उसके बाद फ्रेंड आपने ये देखें एक दुपट्टा लेना। दुपट्टा लेने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसको ये ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाना है अपने क्लोथ के आगे। उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है कि इधर से जितनी ये वीडियो कट हो रही है, तो मैं जिधर से ये कपड़ा ऊपर से नीचे आ रहा था मैं इधर से इसको पकड़ूंगा और कैंचे के ऊपर जाके ट्रिम टू लेफ्ट कर दूंगा। तो इधर से मैं इसको पकड़ूंगा फ्रेंड, तो इसके साथ ही बिल्कुल इधर अटैच कर दूंगा बिल्कुल साथ ही। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि जिस तरह पहली वीडियो बनी है, तो ये सिंपल देखें जब कपड़ा नीचे आ रहा है तो आपने क्या करना है, जिधर से कपड़ा नीचे आ रहा है इधर आपने सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एंड के ऊपर आपको नजर आएगा हैंड राइटिंग, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें आपने इधर से इसको सेलेक्ट कर लेना है। ग्रीन स्क्रीन इधर मेरा पास है, तो मैं अब क्या करूँगा फ्रेंड के इधर से मैं इतना इसको रख लूँगा इधर अपनी वीडियो के साथ। स्क्रीन आ चुका है, जब ये कपड़ा फ्रेंड ऊपर से नीचे आएगा आपने ऊपर जिधर कपड़ा शुरू हो रहा है उधर इसको रख लेना है। उसके बाद रखने के बाद फ्रेंड ये आपको नज़र आ रहा है इधर ये ऑप्शन चाबी का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपने जितना आपका कपड़ा नीचे आ रहा है तो आपने उतना ही इसको सेलेक्ट करना है। इधर से आ रहा है नीचे तो इधर पकड़ के फ्रेंड ये आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसको आपने पकड़ना है और जिधर से ये बिल्कुल नीचे आ रहा है तो आपने इसको इधर तक रख लेना है। उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है कि इधर तक ये आपका शूट हो चुका है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको जो इसका ज़्यादा पार्ट है वो आपने इधर इसको अरेज कर देना और वीडियो को भी इधर से अरेज कर देना। अरेज करने के बाद फ्रेंड आपको इधर ऑप्शन मिल रहा है शेयर का, तो आपने पहले इसको शेयर करके आपने एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने के बाद फ्रेंड जब तक ये एक्सपोर्ट रही है आपने वीडियो को जल्दी से लाइक फ्रेंड कर, टारगेट 500 है तो आप 500 लाइक्स पूरे कर दें जल्दी से फ्रेंड। तो मैं अब दूसरा पार्ट आपको बता देता हूँ किस तरह मिक्सिंग। तो फ्रेंड जैसे कि हमारी वो वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, अब हम प्लस के ऊपर फिर वही काम करेंगे, 9:16 का रेशो रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड आपने कोई एक बैकग्राउंड इधर से फिर एक सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं वाइट ही यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मैंने पहली भी वीडियो में वाइट यूज़ किया है, तो आप जो मर्जी यूज़ करें। लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट किया वो इधर से ले लेंगे, तो मैंने ये एक्सपोर्ट किया तो मैं इधर से ले लेता हूँ इस वीडियो को। इधर एक्सपोर्ट करने के बाद आपने इसको फुल स्क्रीन रख लेना। अब देखें फ्रेंड के हमारी वही वीडियो है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखें फ्रेंड के अब ये क्लॉथ उतर रहे हैं, तो किस तरह उतारने हैं, तो इसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है, ये देखें
ऊपर से नीचे जब वो आ रहा है दुपट्टा हमारा, तो वो बिल्कुल देखें ग्रीन से क्रीमी वैसे ही आ रहा है। तो अब आपने क्या करना फ्रेंड, जो आपने दोबारा इससे ये तो आपने पहले शूट किया, उसके बाद जो आपने वीडियो शूट किया वो लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपने वीडियोज ले लेनी है। तो फ्रेंड देखें, ये मैंने वीडियो बिल्कुल सेम वैसे ही यूज़ की, लेकिन मैंने इसमें पहले शलवार कमीज उधर पहना हुआ था, अब इधर मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई था। वही आप अपने काम करना है कि जिस तरह पहले वो यूज़ किया। तो आपने ये ग्रीन स्क्रीन जो वीडियो पहले एक्सपोर्ट की, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद क्रोमा की को एनेबल कर देना है। उसके बाद आपने इधर कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें फ्रेंड, ये वाइट कलर हमारा यूज़ हो रहा है। तो अब आपने क्या करना फ्रेंड, ये जो पैंट शर्ट वाली है जिधर से पहले वीडियो ऊपर से नीचे आ रही है, तो आपने यही दुपट्टा क्या करना है इसके ऊपर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद फ्रेंड ये देखें, अब उधर आपने वही काम करना है जिस तरह पहले वीडियो वाला दुपट्टा ऊपर से नीचे रहा, तो आपने इस तरह एक एक करके इसको मिक्सिंग करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ फ्रेंड। ये देखिए शुरू में वीडियो क्या थी, तो अब क्या हमने किस तरह मिक्सिंग की है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी वीडियो क्या हो चुकी है, एक्सपोर्ट हो चुकी है। देखें फ्रेंड के पहले वाला दुपट्टा और नीचे वाला आप देखें किस तरह वो चेंज हो रहे हैं। तो फ्रेंड आपने भी इस तरह कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है, इसको ये शेयर का ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपको साउंड में इधर नहीं लगा सकता तो आपको जो अच्छा आपको साउंड लगता है वो आपने इधर नीचे लगा के टिकटॉक के ऊपर वायरल कर देंगे। शेयर का ऑप्शन आपको मिल रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक्सपोर्ट होने में 2 मिनट लगेंगे या 1 मिनट लगेगा, तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट। तो जी फ्रेंड, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और बेल के ऊपर जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो ऐसी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो फ्रेंड आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।